मेडिटेशन है वो मैंने, जैसा कि हम लोग अपने सेवन चक्रास के ऊपर बहुत काम करते हैं, तो मैंने आज आपको मेडिटेशन दूंगी, एंजल मेडिटेशन विद सेवन। हेलो एवरीवन, मैं उपासना। जी मैम, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी अपना स्थान ले लें, अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स फील करें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, वैसे वैसे महसूस करें कि आपके आसपास की सभी सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। महसूस करें और जैसे जैसे आप अपनी सांसें बाहर छोड़ रहे हैं, महसूस करें कि आपके अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल रही है और आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें और गहरी और गहरी और सांस छोड़ें। महसूस करें कि अब आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। अब अपने गार्जियन एंजल को बुलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको ब्लेसिंग्स दें, आप जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता दें। अपनी विजुलाइजेशन में देखें कि आपके गार्जियन एंजल एक सफेद रंग की ऊर्जा के माध्यम से आपके क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रहे हैं। आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी थर्ड आई से होते हुए आपके थ्रोट चक्रा से होते हुए धीरे धीरे आपके हार्ट चक्रा पर जा रहे हैं। चक्रा से होते हुए आपके सोलर प्लेक्सस से होते हुए आपके सैक्रल चक्रा से होते हुए
आपके रूट चक्र और रूट चक्र से होते हुए आपकी थाइस, आपके नीज, आपके काव मसल्स और आपकी काव मसल से होते हुए आपके पैरों की सोल से होते हुए धरती में जाकर आपके सभी चक्रास को शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। अपने पूरे ध्यान को धरती के नीचे लेकर जाएं और नीचे और नीचे और नीचे। देखें धरती के नीचे आपको बहुत तरह तरह की वनस्पतियां नजर आ रही हैं। धरती के नीचे आपको अलग अलग प्रकार के स्टोन्स, क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं, वो चमकते हुए क्रिस्टल्स आपको नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे आप उस सभी ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। महसूस करें कि आप सभी ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सारी ऊर्जाएं एक चुंबक के समान आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, आकर्षित हो रही है, आकर्षित हो रही है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो सारी एनर्जीज आपके पैरों की सोल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे वो एनर्जीज वो लाइट के फॉर्म में आपके पैरों की काव मसल्स, नीज, थाइस से होते हुए आपके रूट चक्र पर आ गई, आपके रूट चक्र को हील कर रही है। आर्कएंजल यूरियल को आप बुलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी रूट चक्र को हील करें। देखें एक लाल रंग की ऊर्जा आपके रूट चक्र को हील कर रही है। आर्कएंजल यूरियल के हाथों से एक लाल रंग की ऊर्जा आपके रूट चक्र को हील कर रही है। रूट चक्र का रंग लाल होता है और बीज मंत्र लम अब आप देखें वो सारी एनर्जीज धीरे धीरे आपके सैक्रल चक्र पर आ रही है एक लाइट के फॉर्म में और आपके सैक्रल चक्र को हील कर रही है।
सारी नकारात्मक ऊर्जा वहां से बाहर निकाल रही है। आर्कएंजल गैब्रियल को आप इन्वोक करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके सैक्रल चक्रा को हील करें। अपनी विजुलाइजेशन में देखें कि आर्कएंजल गैब्रियल अपने हाथों से आपको एक ऑरेंज लाइट, एक डार्क ऑरेंज जो कॉपर फॉर्म में आपको भेज रहे हैं, आपके सैक्रल चक्रा को हील कर रहे हैं। सैक्रल चक्रा का कलर ऑरेंज है, डार्क ऑरेंज, जिसका बीज मंत्रा वाम 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 अब धीरे धीरे वो एनर्जी आपके सोलर प्लेक्सस पर आ रही है और आपके सोलर प्लेक्सस की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल रही है। आर्कएंजल जोफिल को आप इन्वोक करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके सोलर प्लेक्सस को हील करें। और अपनी विजुलाइजेशन में देखें कि उनके हाथों से एक पीले रंग की ऊर्जा, डार्क येलो गोल्डन ऊर्जा निकल रही है और आपके सोलर प्लेक्सस को हील कर रही है। सोलर प्लेक्सस का कलर येलो, डीप येलो, और बीज मंत्रा रम रम महसूस करें कि वो एनर्जी आपके हार्ट चक्रा पर आ रही है और आपके हार्ट चक्रा से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही है। आर्कएंजल रैफल को आप इन्वोक करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके हार्ट चक्रा को हील करें। अपनी विजुलाइजेशन में देखें कि आर्कएंजल अपने हाथों से ग्रीन लाइट आपके हार्ट चक्रा को भेज रहे हैं। जैसे जैसे वो लाइट आपके हार्ट चक्रा पर पड़ रही है, आपका हार्ट चक्रा हील होता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जो दर्द, जो दुख, जो तकलीफ, जो भावनाएं वहां पर जम चुकी थी, वो धीरे धीरे करके वहां से बाहर निकल रही और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। हार्ट चक्रा का कलर ग्रीन है और बीज मंत्रा यम या यम
अब देखें वो एनर्जी आपके थ्रोट चक्र पर आ गई है और आपके थ्रोट चक्र से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही है। आर्के एंजल माइकल को इन्वोक कीजिए और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके थ्रोट चक्र को हील करें। विजुलाइजेशन में देखें आर्के एंजल माइकल अपने हाथों से एक ब्लू कलर की लाइट आपके थ्रोट चक्र पर भेज रहे हैं और आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है। कभी वो लाइट ब्लू लगती है तो कभी वो लाइट पर्पल लगती है, शेड्स बदल रहे हैं और आपका थ्रोट चक्र हील होता जा रहा है। थ्रोट चक्र का कलर नीले रंग का है और इसका बीज मंत्र है हम थ्रोट चक्र हील हो गया है। अब वो लाइट आपके थर्ड आई पर आ गई है और आप अपने विजुलाइजेशन में देखें कि वो लाइट आपकी थर्ड आई पर जमी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दी जा रही है, बाहर निकाल दी जा रही है, बाहर निकाल दी जा रही है। आर्के एंजल रजाइल को आप इन्वोक करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी थर्ड आई को हील करें और अपने विजुलाइजेशन में देखें उनके हाथों से रेनबो कलर इंडिगो कलर की लाइट आपकी थर्ड आई पर आ रही है और आपकी थर्ड आई हील होती जा रही है, हील होती जा रही है, हील होती जा रही है। आपकी थर्ड आई का कलर इंडिगो और बीज मंत्रा ओ ओ ओ ओ अब वो लाइट आपके क्राउन चक्र पर जा रही है, आपके क्राउन चक्र की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती जा रही, बाहर निकालती जा रही है, बाहर निकालती जा रही है। अब आप आर्के एंजल जेड क्लीन को इन्वोक करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके क्राउन चक्र को हील करें। अपने विजुलाइजेशन में देखें कि उनके हाथों से एक पर्पल वॉयलेट कलर की लाइट निकल रही है जो कभी पिंक वॉयलेट पर्पल शेड में आ रही है और आपके क्राउन चक्र को हील कर रही है। आपका क्राउन चक्र हील हो रहा है, आपका क्राउन चक्र
हील हो रहा है। बीज मंत्र अहम अहम देखें आपके क्राउन चक्रा से 2 फीट ऊंची वो लाइट पहुंच रही है और आपको यूनिवर्स के साथ जोड़ रही है। आपके सोन चक्रा को यूनिवर्स के साथ जोड़ रही है। आर्कएंजल मेटाटॉन को आप इन्वोक करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको एनलाइटमेंट दे, कि वो आपको एनलाइटमेंट दे। यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट करें। आप देखें कि एक वाइट कलर की लाइट आर्कएंजल मेटाटॉन के हाथों से निकल रही है। कभी वो ग्रीन शेड में आ रही है, कभी वायलेट शेप में आ रही है। इस तरह अलग अलग शेड्स में उनके हाथों से वो लाइट निकल रही है और आपके सोल चक्रा को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रही है। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। अब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। महसूस करें, एक परम शांति का अनुभव करें, परम शांति का अनुभव करें, परम शांति, शांति, शांति। अब आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं, पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं, पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं, पूरा ब्रह्मांड आप है, पूरा ब्रह्मांड मैं हूँ, चारों तरफ बस मैं ही मैं हूँ। ईश्वर परमात्मा में आपकी आत्मा मिल गई है। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। परम शांति, शांति, शांति। सभी एंजल्स को 3 बार थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर उस चीज़ को धन्यवाद दें जो आपके जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी तो आ रही होगी। हेलो हेलो मैम आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी वॉइस नहीं आ रही। अभी आई जस्ट। चलिए अब आपके कोई भी क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैम ये जो मेडिटेशन मैंने फर्स्ट टाइम किया इस टाइप से इतना डीपली और मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या वाकई में मुझे दो बार आंख भी खोलना पड़ा। ऐसे लगा कोई पीछे है कोई हलचल चल रही है। उसके बाद वो बड़ी वाली एक मक्खी टाइप नहीं आती है ओरिजिनल में वो कोई इमेजिन नहीं था मेरे सर पे घूम रही मेरे कानों के पास घूम रही एकदम तेज 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 तेज। अब इस समय इतनी शाम के समय इतनी बड़ी वाली वो जो जिसको हम मधु भूंगा टाइप नहीं बोलते क्या बोलते पता नहीं वो बड़ा वाला वो आके मेरे आसपास बहुत देर तक घूमते रहा। लास्ट लास्ट मोमेंट जब क्राउन चक्र वाली बात आई उस समय से तो मैं बहुत यानी थोड़ा सा डर भी लग रहा था और थोड़ा सा मैं कुछ अजीब से एकदम हल्का फन फील हुआ। इतना हल्का फन कि ऐसे लग रहा था कि मैं उड़ तो नहीं जाऊंगी इस हिसाब से। वाकई में बहुत सही लग रहा था बड़ा डर भी लग रहा था। मैम नहीं डरने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको बोला ना कि जब हम एंजल्स के साथ मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ऑरा बढ़ता है हमारा ऑरा एक्सपेंड होता है। जब हम एंजल्स के साथ मेडिटेशन करते हैं तो वो एक बहुत ताकतवर शील्ड वहां पे बन जाती है तो किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं आती है तो इसलिए डरना नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें डर लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बहुत अंदर डीपली कहीं ना कहीं हम किसी चीज को लेके इनसिक्योर होते हैं और वो ऐसे इमोशंस बाहर आते हैं। ठीक है ना।